जीवन है अरे पूछ तो नहीं भाई हमने बताया तुम आने जाता है और ये महाराजा अनवर जी ने 1997 में बनाया था, इसी टाइम को पता चलता है। वहाँ वहाँ लिखा हाँ जी जी आपने बनाया बताइए हम बताइए बताऊँ हाँ एक घड़ी लगभग 400 बरस पुराना का है, किसी ने भेंट किया। अच्छा अच्छा और ये इसका जो घड़ी का सुई है इसको घाम के जरिए आप नंबर चीन सकते हैं। अच्छा, कितना बजा? 1, 2, 3, 4 या 5 एक या एक अद्भुत घड़ी है। हाँ। जिसको पहचानने में कोई समझ नहीं सकता, उस जमाने में तो घड़ी था नहीं जी। अभी तो लोग पहन लेते हैं और टाइम फटाफट देख लेते हैं जी। हाँ। मगर इस घड़ी को बहुत कम लोग समझते होंगे क्योंकि ये घाम के जरिए परछाई से इसका हाँ। जो समय है बतलाया जाता। अच्छा जी तो बिना का पेमेंट इधर ही होगा अभी पहना देगा कोट उतार हम चलो आप भी मिल लीजिए आगे देंगे ना आपको टाइम कोई बात नहीं। वो एक दिखे क्या फोटो खींचने का टाइम लगता ही थी। आप कहीं फोटो खींचने का दाम भी नहीं आपका फटाफट चलते हैं। बस फ्रेंड्स होते हैं विराट के किंग सलमान सिंह ने इस गार्डन को बनाया था 1710 में। 1710 में विराट के किंग सलमान सिंह ने गार्डन को मंजूर किया।
उस टाइम उनका खाई जनरल गार्डन था, किंग गार्डन था, ओनली फॉर लेडीज यही नाच गाने फंक्शन कम आते थे। राजा लोग भी कभी आते थे वापस चले जाते। राजा सलमान सिंह जब इस गार्डन को बना दिया उसके बाद उनके बेटा की छुट्टी थी, वो यहाँ घूमने आई। उस टाइम बहुत तेजी से लगा था, उसमें लेन बंद हो गई, बरसात बंद हो गई। उसमें बहुत दुख थी कि मुझे हरदम बरसात चाहिए, हरदम खाली चाहिए। राजा ने कहा बेटी मैं कोई भगवान तो नहीं, मैं बहुत तो हूँ, मैं कभी मानसून कहीं नहीं करता, लेकिन तो भी उसमें बहुत दिक्कत थी। उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया, कुकिंग कराया, दिन में बाद बैठा। दूसरा क्या कि आज तो वैज्ञानिक युग, आज की डेट में सब कुछ बन सकता है। इन्हीं गार्डन उस टाइम का है जिस टाइम कोई मोटर नहीं थी, कुछ भी नहीं। आज भी इस गार्डन में कोई मोटर फिटिंग नहीं है, ये विदाउट मोटर का गार्डन है। भाई पानी के प्रेशर से चलता है। अपन ने जब भी फतेह सागर देखा ना, फतेह सागर ऊंचाई पे है और ये नीचे पे, तो डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी से कनेक्शन ले रखा है। मतलब टंकी का उपयोग किया फतेह सागर, फतेह सागर ओपन में बहुत बड़ी है। तो जो हवा का जो फोर्स चलता है, जो ग्रेविटी सिस्टम जो चलता है, उन्होंने कभी नेते आदमी पे व्यवहार नहीं किया। जैसे युद्ध करते हुए कोई नीचे पड़ जाता है तो उसको उठाते थे, उसको एक तलवार देते थे, उसके बाद युद्ध करते थे। अपने धर्म के पक्के वाला थे, इसी कारण अब हम अपने एक मिनट में दूसरा कर रहे। अभी देखेंगे इधर प्रताप का। मेरठ के महाराणा प्रताप और जयपुर के राजा मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। जयपुर के राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का कमान किया था। मेरठ के महाराणा प्रताप ने जब जयपुर के राजा मान सिंह को अटैक किया, इधर घोड़े पे है मेरठ के महाराणा प्रताप, हाथी पे है जयपुर के राजा मान सिंह। जब महाराणा प्रताप ने जयपुर के राजा मान सिंह को अटैक किया तो जयपुर के राजा मान सिंह ने एकदम वीर दिखा दी, वो अपनी बग्घी में छुप गए। जब पीछे के सीन में देखेंगे, बगावत कर दी उन्होंने अपने हाथी की सुन में वेपन चला दी, दबा कर ऊपर से सैनिक को इशारा किया, इसने एकदम इसमें वेपन चला। बाद में चेतन घोड़ा नीचे उतरा तो उसका पांव गया। उसके बाद महाराणा प्रताप को लेकर भगा, अधिकारी पुल को कूदा और उसकी डेथ हो गई। पीछे उनका भाई आ रहा था शक्ति सिंह। वैसे तो शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप से बगावत करके जयपुर के राजा मान सिंह के साथ जाके मिल गया था, लेकिन बाद में उसकी भाई भी अंदर जा गई, उसने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया। नकद जो था ना,
क्योंकि हमारे यहाँ के वंशज का वजन था 200 केजी, 200 किलो उनका वजन था महाराणा प्रताप। 75 क्योंकि हाथी होता है बड़ा जानवर, थोड़ा होता है छोटा जानवर। हाथी को चक्कर में रखने के लिए जितने हाथी सोचे कि सामने भी हाथी खड़ा हुआ है, मेरा भाई खड़ा हुआ है, भाई भाई भी अटैक कम करता है। ताकतवर आदमी ताकतवर जैसे कम फेरता है ना, वो सोचता है मुझे भी तो कुछ चोट आएगी क्या। इसी कारण को धोखे में रखने के लिए हजरत अपने घोड़े के आगे हाथी की नकाल करते, क्योंकि ये पहाड़ी की वजह से वो जमीन की वजह से। पहाड़ियों भी हम घोड़े दौड़ सकते हैं, हाथी नहीं दौड़ सकते। इसी कारण हाथी को चक्कर में रखने के लिए जिससे हाथी सोचे कि सामने भी हाथी खड़ा हुआ है, मैं छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, हाथी खड़ा हुआ है, जिससे कि वो उस पर अटैक नहीं करे, उस पर हावी कम हो गई। बताया ना हाथी की नकाब, अब तो महाराणा प्रताप के घोड़े के आगे आपको हाथी की नकाब नजर आएगी। ये मेराठ, ये मुगल कमांडर थे बख्तर खान, उन्होंने महाराणा प्रताप पे अटैक करने की कोशिश की, तो मेराठ के महाराणा प्रताप ने उनका हाथ इस हिसाब से काटा कि इसका बीच का ये हाथ काटते हुए घोड़े का पूरा बीच का भाग काटते हुए एक ही झटके में तलवार को बाहर निकाल दिया। मतलब उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी, उनका 200 केजी वजन होने के बाद भी, जैसे आज के टाइम में मजाक में कहते हैं कि इसके 90-100 किलो के बाद वजन हो जाता है, तो कहते हैं सही में वादी आ गई, सही भी नहीं सकता है क्या। लेकिन उस टाइम उनका वजन 200 किलो होने के बाद भी उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उन्होंने एक झटके से इस तलवार को बाहर निकाल दिया। आज के टाइम में काम आते थे, आज के टाइम में तो ये वेपन्स काम नहीं आते, क्योंकि आज के टाइम में तो धोखे का युद्ध होने वाला क्या है, वैज्ञानिक युद्ध होने वाला क्या है। नीचे आप कितने भी हथियार इकट्ठे कर दीजिए, ऊपर से कोई आएगा, बम गिर जाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। ये 20 किलो के आसपास का इसका वजन था। अब इसमें तलवार भी क्या है, ऊपर वो मुख पता नहीं होती इसके मान देते, क्योंकि जो कुंभ है ना बहुत सुबह में यहाँ पूजा पाठ करने आते थे, इसके बाद सब कुछ काम करते। आज की पीढ़ी ने दान करना तो बंद कर दिया है, आज की पीढ़ी ने जो खाई इसको देखने का भी टीवी लगाया है। और ये उस टाइम तो बनाया हुआ जिस टाइम कुछ नहीं बन सकता था, 1620 में बनाया, ये वन राइट मार्बल भी थे, इसमें कोई जॉइंटेड नहीं। आज तो विज्ञानिक युग है, आज तो बहुत कुछ बन सकता है, बहुत मशीनें आ गई है। उस टाइम कोई वैज्ञानिक युग नहीं था, मशीनें नहीं थी, तो भी एक ही पीस था मार्बल का पूरा बड़ा, उसको इतना बढ़िया फिनिशिंग करके बनाया है, इसमें कोई जॉइंट नहीं, ओनली फॉर वन पीस, पूरा वन पीस का। यहीं तो बैठते थे, यहीं पूजा पाठ करते थे, ये जो फोटो देखो ना, वो सिंपल से गाँव जैसे रहते थे। और कौन राजा? चतुर सिंह बाग जी। बाग जी कहते थे ये पूजा पाठ में इतने वो थे क्या, पर गद्दी नसीब होने के बाद भी अपनी पुरानी रूटीन कभी भी उन्होंने तोड़ी नहीं। पता है वो पुराने दोस्तों को, पुराने रिश्तेदार को, भाई को, सबको भूल जाता है। वही इनके पास गद्दी नसीब होने के बाद भी इन्होंने अपनी सादी जिंदगी, सादा सिंपल पूजा पाठ करना कभी भी नहीं छोड़ा। गमले में उगाएंगे तो आप इतना सा उगेगा, इतना सा उगेगा, उससे बड़ा नहीं उगेगा। लेकिन ये ओरिजिनल जमीन ये तीसरे माले पे ओरिजिनल जमीन में क्या है, पहाड़ी का जो उस टाइम जगह बहुत थी, तो उस टापू को उन्होंने जिंदा रखा 100 फीट का, और आसपास को उन्होंने सिटी पैलेस बनाया, और बीच का टापू जो है उसके नहीं, अंग्रेज ने इनके लिए कोशिश खाई रखी थी कि वहाँ आएंगे, निमंत्रण दिया था इनको, लेकिन ये वहाँ दिखने नहीं गए। इन्होंने कहा हमारे मुझे अगर मुझे ऊपर रखेंगे भूखे मर जाएंगे, हमें आपके अंदर में चलता है, जो कुछ फिनिशिंग अभियान चल रहा है उसमें काम चल रहा है। हमारे राजा के टाइम यहाँ एलिफेंट फाइट होती थी, हाथी युद्ध होता था, इधर एक हाथी इस साइड पे एक हाथी,
जैसे आज की डेट में मत्स्य युद्ध होता है, उस टाइम हाथी युद्ध होता था, सुन में सुन डाल के हाथी युद्ध होता था, इधर राज दरबार लगता था या जनता बैठती थी। अब आज के टाइम में क्या हाथी युद्ध तो बंद हो गए, एलिफेंट फाइट तो बंद हो गई है। आज के टाइम में राजनीति के युद्ध स्टार्ट हो गए, मौके के युद्ध स्टार्ट हो गए, हाथी युद्ध के खाई फोटो देखेंगे आप लोग। आप ले जाए इस फिल्म को, फ्रिज में लगाओ, देखो कैसे लोग भागेंगे। सब चीज हम देखा ही थी, कोई मैन वाली होती थी ना, जैसे आज की डेट में जिससे अपन शादी करके ले करते हैं, उस टाइम जो उनकी मैन वाली होती थी पटवानी, उसके हिसाब से उनका पड़ा था, उसके हिसाब से खुद नाच पूरा मौका भाई पूरा, ये उनका सोने का काम है। ऐसा ऊपर कीजिए, ऊपर और थोड़ा याद कीजिए, ऐसा ऊपर कीजिए। हाँ ये बात है, क्या बात है, ऐसा हमारी ऐसा ऊपर ये बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह आप ऐसे घूमें, बस मैं घुमाते ही रहूँगा। अरे बाप, किंग हुए गद्दी पे, जब बैठते थे पिकनी वाली जुटते, तो कृष्णा ने देखा कि मेरे पिताजी की इज्जत जाने वाली है, तो कृष्णा ने यहाँ से ध्यान था कि अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी कारण इसको कृष्णा कक्ष कहते हैं। ओके सनसेट पॉइंट है, ऊंचाई पे इसको बना दिया है जिससे थोड़ा सन अस्त होता हुआ अच्छा दिखता है। वैसे हमारे यहाँ का सनसेट पॉइंट मेन माउंट आबू का है, वर्ल्ड फेमस सनसेट पॉइंट है माउंट आबू। ये जो उदयपुर सिटी देख रहे ना, जैसे आपने जयपुर को देखा होगा, जयपुर को पिंक सिटी ऑफ जयपुर कहते हैं, उदयपुर को व्हाइट सिटी ऑफ उदयपुर, जयपुर को पिंक सिटी ऑफ जयपुर, इस तरीके आज के टाइम में तो क्या पर्यटन के बाद है, तो कुछ कुछ मकान में आपको दूसरा नजर आएगा, मिट्टी का छज्जा पिंक करना है, पिंक कर सकता है, गोल्डन कलर, उस टाइम भी बंदिश नहीं थी, लेकिन उस टाइम की जनता ऐसी थी कि सबके साथ चलने के हिसाब से मैं पिंक ही क्यों करूँ, सबका एक अच्छा दिखता है उन्हें यहाँ का। लेकिन आज के टाइम में आदमी सोचता है कि यार सब वाइट है तो मैं थोड़ा सा पिंक दिखाऊँगा, थोड़ा अच्छा दिखे। इतना महंगा इसमें खाना खाने का 600 रुपये।